नमस्कार, मैं अरूप आपको स्वागत करता हूँ लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव के गूंज दिल्ली तक। आज आप कटक के कलेक्टर ऑफिस में इतने संख्या में क्यों एकजुट हुए, मतलब क्यों ये स्ट्राइक क्यों हो रहे हो, दाबी पत्र क्या देने वाले हैं, आप थोड़े डिटेल्स में बताएंगे। ये हमारा एक ये मुहिम चल रहा है अभी जनसंख्या फाउंडेशन समाधान करके। ये एक ऐसा मुहिम है जो सारे देश में चल रहा है। ये कटक डिस्ट्रिक्ट के जिला के हम सब मेंबर हैं, मैं भी वहाँ का एक यहाँ का एक मेंबर हूँ। यहाँ का दावी पत्र मेमोरेंडम देने के लिए हम आए हैं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ताकि जनसंख्या पर जो नियंत्रण कानून है वो एक मतलब गोष्ठी के लिए, संप्रदाय के लिए, कम्युनिटी के लिए आइन दूसरा है और एक आइन अलग आइन है और दूसरे कम्युनिटी के लिए। जैसे कि मैं बताना नहीं चाहता, नाम नहीं पकड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तरह तरह की आइन है। ये UCC जो है, यूनिफाइड सिविल कोड, जैसे कि जो कि नियम होता है हर नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता प्रणयन के लिए, ये एक दावी पत्र देने हम जा रहे हैं अभी कटक जिला के सभी हम सदस्य हैं, ताकि जो जनसंख्या जैसे कि थिकली पॉपुलेटेड कंट्री में जैसे विकास के कार्य बाधा प्राप्त हो रहा है, जैसे कार्य नहीं हो रहा है, जल का समस्या, कृषि का समस्या और जैसे आइन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा होता है, तो इसको लेबल करने के लिए यानी इसको इक्वलाइज करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए समान होना चाहिए। जैसे कि किसी का 2 बच्चे हो तो किसी का 20 बच्चे है, ऐसा नहीं चलना चाहिए। किसी के लिए आइन एक है, किसी दूसरे गोष्ठी के लिए आइन दूसरा है, तो यह आइन को मतलब समान करके, समाप्त करके हर एक नागरिक के लिए एक ही जनसंख्या दृष्टि से एक ही आइन होना चाहिए। यही दावी पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य से हम यहाँ का जिलापाल कटक जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देने के लिए आए हैं। तो ये आइन बहुत दिनों से बहुत संघ, बहुत लोग आप जैसे लगे हैं, लेकिन आज तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आज भी इसके लिए आप इधर आए हैं, आपको आशा है आपको न्याय मिलेगा? आशा है, जरूर न्याय मिलेगा। हाँ, मतलब जरूर न्याय मिलेगा। आप बताइए कुछ हमारे, आपको ऑल इंडिया बेसिक में देखेंगे, तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं या क्यों ये न्यू होता है, ये होना क्यों चाहिए, थोड़ा डिटेल्स में बताएं। वो देश में फर्क फर्क कानून, कम्युनिटी में फर्क फर्क कानून होता है, वो ठीक नहीं है। एक देश एक कानून बनना चाहिए, एक देश एक कानून आप चाहते हैं। इसीलिए वो दावी पत्र देने के लिए आया है कलेक्टर साहब को, प्रधानमंत्री को, कलेक्टर साहब कटक का माध्यम से वो एक कानून बनाने के दावी पत्र देता है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रसन्न कुमार नायक, कटक ओडिशा। यहाँ जिलापाल के ऑफिस में हम आए हैं। एक संविधान के नियम से जो बना होता है, जो कार्यक्रम होता है, जो हमारा प्रधानमंत्री जी जो लेके आया है UCC, इसको हम चाहते हैं सारा भारत देश में एक समान, एक तरफ एक काम होना चाहिए, इसको लागू भी होना चाहिए। जितना जनसंख्या बढ़ रहा है इसको नियंत्रण करना चाहिए, इसलिए एक स्मारक पत्र हम कलेक्टर को देने आए हैं। यहाँ कटक ओडिशा ये जिलापाल के ऑफिस है। हमारा जो महिला मोर्चा है, जो है संगठन का BJP का, हम सब आए हैं, इसको मिलजुल के सब के स्मारक के हम ये तो बहुत साल हो गया, मतलब बहुत लोग ने ट्राई कर लिया लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है, किसका प्रेशर है या किसका डर है, क्या प्रॉब्लम है जो इसके लिए इतना नहीं हो रहा है? सो इस बार आप जो दे रहे हैं, इस बार सोच रहे हैं, अभी मोदी सरकार तो फिर से आ गया, हो सकता है इस बार जरूर होगा। मोदी सरकार के ऊपर आपका भरोसा है या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है? ना ना, हम तो मोदी सरकार ऊपर भरोसा है। जितना जनसंख्या है हमारा भारत वर्ष में, इसको नियंत्रण करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये केस भी है, ये इस बार जरूर होगा, जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट बोले भरोसा, सुप्रीम कोर्ट ऊपर का भी हमारा भरोसा है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट भी हमारा सब में राय देगा, जरूर देगा। कौन? क्योंकि वो संविधान का 44 धारा का अवमानना होता है। अच्छा। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का कटक जिला का सभापति हूँ। तो यहाँ हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य के लिए एक मेमोरेंडम देना चाहती हूँ जिलापाल के माध्यम से, कि हम जाति भेद धर्म निर्विशेष में सबके लिए 2 child policy लागू करना है। दो बच्चे 2 child policy आप चाहते हैं? ठीक।
तो जल्दी जल्द लागू करना चाहिए, क्योंकि हम 13 साल तक हो गया है हमारा यहाँ जो जनसंख्या फाउंडेशन में बहुत दाबी पत्र दिया हुआ है, लेकिन आज तक कोई नहीं। जो कलेक्टर से आप मिल के आए हैं और दाबी पत्र दिए, कलेक्टर हमारा कटक कलेक्टर क्या रिएक्शन था और आप क्या सोच रहे हैं इसका सफलता पाएंगे? और मेरा बहुत विश्वास है इसको कलेक्टर साहब के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है वो कुछ हमारा तो दाबी पत्र दिया है इसके बारे में कुछ सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। आप दाबी पत्र किस किस बारे में दिए? वो जो जनसाधारण हम उड़ीसा मैंने वो देश से बढ़ता रहता है, वो क्या दूसरे जो नियम चालू रहा है वो दो नियम नहीं, गवर्नमेंट का एक नियम होना चाहिए जिसके सब लोग के लिए अच्छा होगा। वो दो नियम से वो हिंदू और मुसलमान ये जो सब प्रथा चलता है वो नहीं चाहिए, एक प्रथा चाहिए जो कि एक आइन चाहिए, जो अलग अलग की आइन हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम दाबी पत्र दिया है वो जो जनसाधारण जो लोग।